देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में यह कह रहा है कि तीन रजिस्टर हैं टेन ओम टेन ओम और ट्वेंटी ओम के साथ में साथ में ही एक बैटरी है टू पॉइंट फाइव वोल्ट की एक की दिया गया है और साथ में एक एमीटर दिया गया है और एक वोल्ट मीटर है और क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि इन एलिमेंट्स का यूज करके एक सर्किट डायग्राम मुझे बनाना हो, बनाना है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि सर्किट डायग्राम ऐसा बनाइए कि जो 20 ओम का रजिस्टर है उसके एक क्रॉस मुझे 2 वोल्ट का पोटेंशियल मिले मतलब इन सर्किट और एमीटर और की को बैटरी के साथ कुछ इस तरह से मुझे कनेक्ट करना है कि जो 20 ओम का रजिस्टर है उसके एक क्रॉस मुझे 2 वोल्ट का पोटेंशियल मिले क्योंकि अगर आप देखिए तो बैटरी पर 2.5 वोल्ट लिखा हुआ है तो आइए इस सर्किट को सॉल्व करते हैं देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने सबसे पहले पहले ही मैंने एक सर्किट डिजाइन कर दी है और इस सर्किट में अगर आप देखिए तो मैंने किया क्या है कि जो 10 ओम के रजिस्टर हैं, उनको पहले मैंने पैरेलली कनेक्ट कर लिया है और उस 12 ओम के रेजिस्टर के साथ 20 ओम के रेजिस्टर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और 20 ओम के रजिस्टर के साथ मैंने एक पोटेंशियल वोल्टमीटर अप्लाई कर दिया है उसके पैरल साथ में यहाँ पे मेरे पास एक एमीटर है जिससे हम करंट मेजर करते हैं और एक की है जो कि उस बैटरी के इंड पॉइंट पे मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है तो इस तरह से मैंने पहले ही सर्किट को बना दिया है अब मैं यहाँ से ये प्रूफ करता हूँ कि ट्वेंटी वोल्ट ट्वेंटी ओम रजिस्टर के क्रॉस क्या मुझे टू वोल्ट पोटेंशियल मिल रहा है या नहीं तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस सर्किट में मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है आई और आई कैलकुलेट हम कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले है कि मैं इस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस निकाल लूँ तो अगर मैं टोटल रजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे 10 ओम और ये जो पहला 10 ओम और दूसरा जो 10 ओम है इन दोनों को मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो सबसे पहले मैं इनको ही सॉल्व कर लेता हूँ सो so, यहाँ से मुझे मिलेगा वन अपॉन टेन प्लस वन अपॉन टेन और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा सो यू विल गेट टेन ओम वन प्लस वन और यहाँ से मैं पा जाऊँगा क्या चीज़ टू अपॉन टेन विच इज इक्वल टू तो ये मिलेगा मुझे वन अपॉन आर की वैल्यू और इसको मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका टेन अपॉन टू जैसे तो मुझे यहाँ पे इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाएगा कितना टोटल फाइव ओम तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इक्वल है किसकी फाइव ओम के नाउ अब ये फाइव ओम जो रजिस्टर है ये ट्वेंटी ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो इस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा यानी फाइव ओम प्लस ट्वेंटी ओम तो ये टोटल हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव ओम आई होप कि यहां तक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो कि वी वी की वैल्यू कितनी दी है मेरी 2.5 पॉइंट वोल्ट ठीक है और आर जो दिया है वो टोटल दिया है मैंने 25 फाइव वोल्ट तो अगर मैं इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एंड नाउ सॉरी तो अगर यहाँ से मैं वी की वैल्यू प्लेस करूँ सो यू विल गेट टू पॉइंट फाइव अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फाइव ओम अगर आप इसको सॉल्व करिए तो क्या मिल जाएगा ये जीरो हो जाएगा ये कैंसिल होगा तो हो जाएगा आपका वन अपॉन टेन या मैं कह सकता हूँ कि आई की जो वैल्यू है वो जीरो पॉइंटर है ठीक है आई होप यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी इसका मतलब ये कि इस पूरे सर्किट में वन का करंट जो है वो फ्लो हो रहा है अब यहां से मैं ये कह सकता हूं कि अगर पॉइंट वन एमपियर का करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए ये पॉइंट वन एम का करंट यहां से चलेगा जीरो पॉइंट वन करंट आगे बढ़ेगा यहां तक आएगा और यहाँ पे चूंकि देखिए ये टेनोम और ये टेनोम आपस में पैरल हैं तो इसका मतलब जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा ठीक है और करंट डिवाइड होगा लेकिन जो पोटेंशियल है वो दोनों पे सेम होगा तो अगर करंट डिवाइड होगा तो इस केस में देखिए कि चूंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं इसका मतलब जो जीरो पॉइंट वन करंट यहाँ तक आ रहा था इक्वल इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएंगे यानी कि इस रजिस्टर में जो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है और इसमें भी जो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट जीरो फाइव आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी अब अगर आप चेक कर लिए तो इस रजिस्टर के क्रॉस इस टेन ओम रजिस्टर के क्रॉस जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम करेंट फ्लो हो रहा है और इसमें वोल्टेज कितना है सॉरी इसका रजिस्टर कितना है टेन तो अगर मैं आर टेन के एक्रॉस पोटेंशियल निकालना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर टेन और I इसमें देखिए इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव आर टेन की वैल्यू कितनी है आपकी टेन तो यहाँ से मैं क्या सकता हूँ कि वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी तो अगर 0.5 पॉइंट वोल्ट पोटेंशियल इसके क्रॉस मिल रहा है तो देखिए ये दोनों के दोनों जो रजिस्टर हैं वो आपस में पैरेलल है यानी इसके एक क्रॉस भी आपका 0.5 पॉइंट वोल्ट का पोटेंशियल मिलेगा और पूरे पूरे सर्किट में जो जो वोल्टेज है वो है 2.5 पॉइंट वोल्ट तो देखिए 0.5 पॉइंट वोल्ट तो इन दोनों में चला गया ठीक है उसके आगे जब जाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये कहता है कि जितने भी सीरीज कॉम्बिनेशन हैं उसमें पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है सॉरी जो 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 टोटल ई एम एफ है वो डिवाइड हो जाता है तो देखिए इन दोनों में जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट चला गया तो बाकी क्या बचेगा इसमें बाकी बचेगा आपका टू वोल्ट आई होप कि आप ये बात समझ में आ रही होगी अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से 0.1 पॉइंट का करंट आगे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव में डिवाइड हुआ करंट फिर आगे बढ़ा ठीक है और जब यहाँ आगे आके मिलेगा तो अगेन यहाँ पे आपको जीरो पॉइंट वन का करंट मिलेगा अगेन और ये जीरो पॉइंट वन का करंट जो है वो ट्वेंटी ओम रजिस्टर के थ्रू पास होगा तो अगर जीरो पॉइंट वन का करंट ट्वेंटी ओम के थ्रू पास होगा तो हम ये कह सकते हैं कि आर ट्वेंटी के एक क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा फॉर्मूले से वी इज इक्वल टू आई आर ट्वेंटी तो आई की वैल्यू कितनी है इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू जीरो पॉइंट वन एम्पियर इन टू आर ट्वेंटी की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी तो हम यहाँ कह सकते हैं ट्वेंटी अगर आप वैल्यू निकालिए तो इसमें फ्लो होने वाले इसके ट्वेंटी ओम रजिस्टर के क्रॉस मिलने वाले पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी टू वोल्ट तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो समझ में अच्छे से आया होगा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ ठीक है